किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। गेहूं की बुआई के समय हमें कौन से खाद का चयन करना चाहिए? किसान भाइयों जैसा कि अभी सितंबर का माह चल रहा है और अक्टूबर के एंड और नवंबर में किसान भाई गेहूं की बुआई करने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के यह समस्या आती है कि हम गेहूँ की बुआई के समय कौन से खाद का चयन करें, कौन सा खाद डालें। किसान भाइयों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसान भाइयों तो पूरा वीडियो को आप एक बार जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में बताई हुई जानकारी का लाभ मिल सके। किसान भाइयों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर घंटी के निशान पर बटन दबा लें, जिससे आपको इसी प्रकार की नई नई रोजाना वीडियो देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों जैसा कि बात करें गेहूँ की खेती के बारे में, तो किसान भाइयों गेहूँ की बुआई से पहले सबसे पहला आपको काम यह करना है कि आप गेहूं की बुआई के रूप में गेहूं की उन्नत किस्मों का ही चयन करें। किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाई गेहूं की उन्नत किस्मों का चयन नहीं करते हैं और हर किसी को गेहूं की बुआई कर देते हैं, जिससे उनको अधिक उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर केवल उन्नत किस्मों की बुआई करें, जिससे आपको अधिक उत्पादन मिल सकता है। किसान भाइयों बात करें गेहूँ की बुआई के समय खाद की, तो खाद के रूप में बहुत सारे किसान भाई NPK 12-32-16 और DAP 18-46-0 का चयन करते हैं। इन दोनों के साथ किसान अधिकतर बुआई करते हैं इन दोनों में से एक का चयन करके। किसान भाइयों बात करें इन दोनों की खासियतों की, तो NPK 12-32-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्व मौजूद होते हैं, और बात करें DAP 18-46-0 की तो इसमें केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस मौजूद होते हैं, इसमें केवल पोटास नहीं होता है। किसान भाइयों अगर आप गेहूं की बुआई के समय NPK 12-32-16 डालते हो तो इससे आपकी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्व मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फसल के लिए खाद मानी जाती है। किसान भाइयों बेहतर यही रहेगा कि आप बुआई के समय NPK 12-32-16 का उपयोग करें। अगर आप DAP 18-46-0 के साथ बुआई करते हैं तो इसमें पोटास मौजूद नहीं रहता है। किसान भाइयों गेहूं की फसल के लिए पोटास काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए अगर आप DAP 18-46-0 का प्रयोग करते हैं तो आपको अलग से पोटास डालना रहेगा। बेहतर यही रहेगा कि आप NPK 12-32-16 का उपयोग करें। किसान भाइयों अगर आप सीड्रिल की सहायता से बुआई करते हैं तो आप गेहूं के बीज के साथ इन खाद को डालकर बुआई कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान जो कि गेहूं को हाथ से छिटक कर बुआई करते हैं, उस प्रकार अगर आप बुआई करते हैं तो आप डायरेक्टली खाद को ज़मीन में डालकर उसमें गेहूं की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों DAP और NPK में केवल पोटास तत्व का अलग रहता है, यानी कि जो DAP होता है उसमें पोटास नहीं होता है, इसलिए आपको पोटास अलग से चयन करना होता है। तो किसान भाइयों बेहतर यही रहेगा कि आप गेहूं की बुआई के समय NPK 12-32-16 का चयन करें, उसके बाद आप बुआई करें। किसान भाइयों आपको इन खादों के उपयोग करने से निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपकी फसल को बिल्कुल अच्छी ग्रोथ करने लगेगी और कोई भी नुकसान आपकी फसल में नहीं होगा। किसान भाइयों आप कौन से खाद के साथ बुआई करते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।